अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद फैमिली में आप सभी का वेलकम है। आज हम बनाने वाले हैं स्पाइसी मैगी। स्पाइसी मैगी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेने चाहिए हम आपको बताते हैं, चलिए आइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी मैगी, बहुत ही जो टेस्टी और यमी बनती है। यहाँ पर देखिए, हमने मैगी के लिए ये एक जम्बो मैगी पैक लिया है। ये देखिए इस तरह से, ये 68 रुपीज़ का पैक होता है। ये एक पैक हमने लिया है और यहाँ पर हमने एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का और एक कैरेट लिया है, इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। और इसमें हम थोड़ी सी रेड चिल्ली सॉस यूज़ करेंगे। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ये पैक को ओपन कर लेंगे। चलिए इसे हमने इस तरह थोड़ा हमें इसे तोड़कर निकाल लेना है। ये देखिए, ये है मैगी का पैक। ये देखिए इस तरह से हमने इसे तोड़ लिया है पीसेस में। अब इसमें हम ये मैगी मसाला भी यूज़ करेंगे, ये जो है। चलिए हम मैगी बनाते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैगी बनाने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमने 3 चम्मच ऑयल लिया है। ये ऑयल को हम गर्म करते हैं, ये देखिए। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब यहाँ पर 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 चम्मच ये वाला, आधा चम्मच हम इसमें मिर्च डालेंगे। छोटा चम्मच है, 1.5 चम्मच हमने मिर्च डाली है इसमें। और यहाँ पर हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और यहाँ हम 1 चम्मच इसमें रेड चिल्ली सॉस का यूज करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए देखिए, इसे हमने मिक्स कर लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालिएगा। ये टमाटर हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें और भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। आप इसमें गोभी होती है, गोभी, और अपने मटर, बटाने यूज कर सकते हैं, शिमला मिर्च यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये कैरेट और टमाटर है, ये हमने इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये कैरेट जो है ये भी इसमें सारा डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा तल लेंगे। देखिए टमाटर और कैरेट हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे मैगी को पकाने के लिए। यहाँ पर हमने 2 ग्लास पानी डाला है। मैगी के ऊपर भी डिपेंड होता है कि इसे पानी कितना लगेगा। आप पहले फर्स्ट टाइम में कम ही डालिएगा, ज़्यादा एकदम मत डालिए। ज़रूरत पड़ने पर हम इसे फिर बाद में डाल सकते हैं। अब इसे हम हाई फ्लेम पे पानी को पकाएंगे। देखिए ये हमारा मैगी का पानी पक चुका है। ये देखिए इस तरह इसमें बबल्स आने लगे हैं। अब इसमें हम ये सारी मैगी डाल देंगे, सारी मैगी इसमें डाल देंगे। इस तरह से तोड़कर इसमें मिक्स कर देंगे। ये अब इसको हम 2 मिनट ढककर पकाएंगे, फिर उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर अगर आप नमक टेस्ट करना है तो टेस्ट कर सकते हैं, जिसका ज़रूरत पड़े तो डालिएगा। हमारे टेस्ट के हिसाब से हमने जो छोटा 1.5 चम्मच नमक डाला था वो बराबर है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है ये मैगी और झटपट बन के तैयार होती है। हमने इसमें यहाँ पर सिर्फ रेड चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें टमाटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमने बहुत ही टेस्टी और रेस्टोरेंट से भी बेहतर मैगी बनाकर तैयार की है। ये देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे बनाकर ज़रूर अपने बच्चों को खिलाइएगा। चलिए हमने इसे मिक्स कर दिया है और इसको हम ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स हम इसे चेक करते हैं। चलिए देखिए, ये हमारी मैगी बनके तैयार है। ये देखिए कितनी फरेरी बनी है, ये देखिए फ्रेंड्स। बहुत ही इजी है ये रेसिपी बनाना।
ये देखिए, ये 2 मिनट में नहीं, हमें ये मैगी बनाने के लिए 10 मिनट लगे हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे सर्व करते हैं और इसका फाइनल लुक देखते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये ट्रे ली है और इसमें हम सर्व करेंगे ये वाली मैगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी टेस्टी और यम्मी करके तैयार है। ये देखिए इस तरह से हमने इसके एग को कट किया है। ये एग अभी भूनेंगे हम मैगी के साथ। उबले हुए अंडों का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी होता है। आप बच्चों को मैगी के साथ उबले हुए अंडे भी दीजिए, बहुत खुश होकर खाएंगे बच्चे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे सर्व किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और यमी मैगी बनके तैयार है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।